देखिए रिपीट होने के कोई आसार मुझको नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि ये देश जो है बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, लेकिन जिस किस्म की तकलीफ़ें लोगों को हो रही हैं, लोग मेरे ख्याल में आने वाले चुनाव में कम से कम मोदी जी को दोबारा नहीं ला सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी के साथ में हुआ था कि नसबंदी की तकलीफ़ बर्दाश्त हुई, लेकिन किस किस्म की तकलीफ़ उनको है इसका पता तब चला जब चुनाव हुए और एक भी सीट यानी इंदिरा गांधी की खुद की उनके बेटे को भी नहीं मिली थी। तो चीज़ें जो हैं जिस किस्म से हुई हैं और जो कह कर के कि जो है कोई बहुत उनके कल्याण की चीज़ हो रही है, भले की चीज़ हो रही है, और अब पता चल रहा है कि जो तकलीफ़ लोगों ने भोगी, 100 के करीब लोग मर गए, और उसके बावजूद जितना पैसा कहा गया वो पैसा अगर वापस बैंकों में चला आता है तो फिर काला धन कहाँ है। तो इतना बड़ा धोखा लोगों के साथ में करना, और ख़ासकर उस चीज़ से ध्यान बटाने के लिए जिसके लिए लोग उन पर उम्मीद रखते हैं, जिसके लिए उनको सत्ता में लेके आए थे, इसलिए मेरे ख्याल में जिंदा कौमें बार बार ऐसी भूल नहीं करती हैं। जैसे मीडिया की बात आपने की, ये सही है कि बहुत सारा मीडिया इतना बढ़िया रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा है, क्या इसमें आने वाले समय में दोबारा से मीडिया के खड़े होने की संभावना है? देखिए उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि मीडिया को भी जिस तरह से तकलीफ़ें भोगनी पड़ रही हैं NDTV के साथ में जो हुआ है, तो ये एहसास तो लोगों को है कि जो गाजे बाजे में शरीक है वो लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ये सुरक्षा जो है हर वक्त किस कीमत पर वो अर्जित करते हैं ये भी मीडिया को पता है। उनकी साख जा रही है, अपनी साख की कीमत पर जो है मीडिया हमेशा इस तरह से बिछा हुआ रह सके ऐसा संभव नहीं लगता। इसलिए मुझको लगता है कि मीडिया जो है, कुछ मीडिया जो पहले नहीं बोलता था अब लोग बोलते हैं, लोग का मतलब अखबार TV चैनल कुछ कहने लगे हैं। आने वाले वक्त में मुझको लगता है कि लोग सच को छुपाने में थोड़ा और संकोच करेंगे और ज़्यादा सच्चाई हमारे सामने आएगी, मुझको इसकी उम्मीद है। एक कथनी अब प्रबलता पकड़ती जा रही है कि मोदी जी इंदिरा गांधी जी का लिखा इमरजेंसी का सिलेबस दोहरा रहे, ये कहाँ तक एनालॉजी सही है? देखिए इमरजेंसी की तो घोषणा थी, घोषणा के बाद में अत्याचार हुए, लेकिन आप बगैर घोषणा के अगर लोगों को मौत के कगार पर पहुंचा दें, आप ये कहें कि आप कतार में तो पहले भी खड़े रहते रहे हैं, राशन के लिए खड़े रहते रहे हैं, और अब आपको एक बार फिर मैंने खड़ा कर दिया तो क्या गुनाह किया है? ये वो कतार नहीं है जो राशन के लिए होती है, इसमें उनको झोंका गया है, और एक भुलावा दे करके अगर कोई कहे कि आपको राशन मिलेगा और ऐसी कतारें लगती रहें और वहाँ राशन था ही नहीं, तो इस देश में गदर हो गया होता। ये जो चीज़ है, लोगों को काले धन के नाम पे आपने खड़ा किया, अपना पैसा निकलवाने के लिए लोगों को तकलीफ़ हो रही है, और अभी वो कायम है। सवाल ये है कि मैंने अभी ये आज प्रसंग सुनाया कि कल मैं रास्ते में खाना नहीं खा सका, मैं और मेरी पत्नी हम लोग गए, हमारे पास में नया नोट था 2000 का, नहीं चला, पुराने नोट वो भी नहीं चले, मशीन उसके पास थी नहीं, हमारे पास कोई चारा नहीं था। तो ये कोई सजा जो है ये तो हम जैसे लोगों के साथ, वो लोग जो गांवों कस्बों में रहते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ भोगनी पड़ रही है, वो लोग चुप हैं, अभी अंदाज़ा नहीं लगता है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा अंदाज़ा चुनाव के वक्त लगता है। इस बात का एहसास भाजपा को नहीं है, ये बड़ा अफसोस की बात है।